के ड्रामा से अलग की एक सच्चाई बताऊं, मैं चाहता हूं कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो ताकि मैं इन लोगों के लिए गर्म कपड़े खरीद के इनको दे सकूं। उसने खाना चोरी किया था, अगर मैं भी हूं ना तो मैं भी सुसाइड कर लूं। इतना ज़्यादा कहीं साउथ कोरिया में समाज में आपकी क्या इज्जत है, सोशल स्टेटस को बहुत वैल्यू दी जाती है। इसलिए आई हैव डिसाइडेड टू डोनेट माई होल यूट्यूब इनकम टू दीज पीपल। गाइस जब हम साउथ कोरिया की बात करते ना तो हमारे जहन में आता है कि साउथ कोरिया कितनी अच्छी कंट्री है, कितनी डेवलप कंट्री है, कितने अच्छे लोग हैं यहाँ पे, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। बट क्या आप लोगों को साउथ कोरिया में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डार्क साइड्स हैं उनके बारे में पता है? क्या आपको ये पता है कि साउथ कोरिया में जो सुसाइड्स है दुनिया में सबसे ज़्यादा होता है, या फिर साउथ कोरिया एक अनहैप्पीस्ट कंट्री है? क्या आपको ये पता कि साउथ कोरिया में होमलेस लोग भी होते हैं जो -20, -30 में ना, मतलब ठिठुरती ठंड में बाहर सोते हैं? अगर आप साउथ कोरिया में सच में इंटरेस्टेड हैं, सच में जानना चाहते हैं साउथ कोरिया को, या फिर सच में आना चाहते हैं साउथ कोरिया, तो ये वीडियो जो है एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको साउथ कोरिया के कुछ शॉकिंग डार्क साइड्स के बारे में बताऊंगा जो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड जो मैंने कोरियन लोगों के लिए चैनल बनाया है वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में होगा। तो गाइस डार्क साइड तो पूरी दुनिया में होते हैं यार, अपने इंडिया में भी बहुत हैं। मैं आपको कोरिया के डार्क साइड इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं कोरिया में रहता हूँ। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा हिस्ट्री लेसन देता हूँ। 1950s में ना साउथ कोरिया एक बहुत गरीब कंट्री थी, बहुत मतलब सबसे ज़्यादा गरीब कंट्रीज में साउथ कोरिया आती थी। उस टाइम इनकी इकोनॉमी पूरी एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी। बट देन मिड 1950s में साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स निकाली ताकि उनकी जो इकोनॉमी है वो रिवाइव कर सके, और उस टाइम आए छेबॉल। जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज है ना साउथ कोरिया में, वो लोग होते हैं, जैसे कि सैमसंग, हुंडई, एलजी, किया एंड बहुत सारी कंपनीज जो है ना वो छेबॉल्स हैं। इनको साउथ कोरियन गवर्नमेंट की तरफ से 100% सपोर्ट था, राइट और रॉन्ग जैसे भी करके इनको डेवलपमेंट करना था साउथ कोरिया का, एंड इन लोगों ने डेवलपमेंट किया भी। डेवलपमेंट ऐसा किया कि सबसे ज़्यादा गरीब कंट्रीज से आज सबसे ज़्यादा डेवलप कंट्रीज़ में इनका नाम है। अब आप सोचोगे इसमें डार्क साइड क्या है? डार्क साइड ये है कि छेबॉल जो है ना साउथ कोरिया की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं। साउथ कोरिया की GDP का 84% जो है छेबॉल्स की तरफ से आता है। बट आप शॉक हो जाओगे ये जान के कि साउथ कोरिया की जॉब्स में, जॉब मार्केट में छेबॉल्स की कंट्रीब्यूशन बस 10% की है। मतलब कमाई फुल हो रही है बट जॉब्स के मामले में ना जॉब में बस 10% इनकी हिस्सेदारी है, जो मेरे हिसाब से एंड बहुत सारे लोग यहाँ मानते हैं एक बहुत बड़ा डार्क साइड है। गाइस जब हम बात करते हैं डार्क साइड ऑफ साउथ कोरिया की, तब हम होमलेस लोगों की बात ना करें ये नहीं हो सकता। साउथ कोरिया में भी होमलेस लोग होते हैं और बहुत होते हैं, और यही मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। अभी कुछ टाइम पहले मैं सियोल गया था, वहाँ पे मैंने वीडियो बनाई थी, तो प्लीज हैव अ लुक ऑन सम क्लिप्स। गाइस होमलेस लोग ना पूरी दुनिया में, अपने इंडिया में भी बहुत सारे हैं, इसलिए मैं इन लोगों को कहीं से भी ब्लेम नहीं कर रहा कि साउथ कोरिया में देखो होमलेस लोग रहते हैं। बट मैं आपको बस बताना चाहता हूँ कि ऐसी सिचुएशन यहाँ पे भी बहुत है, एंड जब मैं इनको देखता हूँ -30 में आंधी तूफान में ऐसे ही रोड पे सोते हैं तो मेरा दिल भी बहुत दुखता है। ये होमलेस लोग आपको साउथ कोरिया में हर जगह दिख जाएंगे, जितने भी बड़े बड़े स्टेशन होते हैं वहाँ पे आपको ये लोग आराम से दिख जाएंगे। ये लोग यूजली या तो स्टेशन के बाहर या फिर कहीं अगर जगह मिल गई तो गत्ता बिछा के उसके ऊपर सोते हैं। और ऐसा नहीं कि साउथ कोरियन गवर्नमेंट इनके लिए कुछ नहीं करी, साउथ कोरियन गवर्नमेंट इनके लिए बहुत कुछ कर रही है, बट हाँ ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है साउथ कोरिया में। गाइस -20, -30 का मतलब समझ रहे हो? अभी ना एक चल रहा है टेम्परेचर एक, तो मैंने ये मोटी जैकेट पहन रखी है। -30 में ना आपका हाथ बाहर निकला तो आपको ऐसा लगेगा कि हाथ गया आपका। ऐसी सिचुएशन में ये लोग जो है ना बाहर सोते हैं। इसलिए आई हैव डिसाइडेड टू डोनेट माय होल यूट्यूब इनकम टू दीज पीपल। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो ताकि मैं इन लोगों के लिए गर्म कपड़े खरीद के इनको दे सकूँ। इस वजह से जो है मैं अपना PayTM नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट कर देते हो मतलब मुझे अच्छा लगेगा, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू हेल्प देम। गाइस साउथ कोरिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, और ये तब बहुत ज़्यादा हो जाता है जब हम बात करते हैं एजड लोगों की। अभी कुछ टाइम पहले मुझे ये आर्टिकल मिला और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, प्लीज़ हैव अ लुक एट दिस आर्टिकल। इस आर्टिकल में यही है कि एक वूमेन जो है अपनी कोरोना की वजह से जॉब कंटिन्यू नहीं कर पाई, अब जो है उसको जॉब नहीं मिल रही एंड उसके हस्बैंड की जो है डेथ हो चुकी है। और बस यही नहीं, साउथ कोरिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना वो यंगस्टर्स में भी बहुत है। अभी कुछ टाइम पहले एक यंगस्टर जो है यहाँ पे एक स्टोर से चोरी करते हुए पकड़ा गया। 4 दिन में उसने $74 की जो है ना चोरी की थी, और चोरी में क्या किया था उसने, चोरी उसने खाना चोरी किया था। सो इस वजह से पॉवर्टी इन यंगस्टर्स जो है ना एक बहुत बड़ा इशू जो है ना बनता जा रहा है धीरे धीरे करके साउथ कोरिया में। गाइस मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद बस इतना ही है कि मैं आपको एक के ड्रामा से अलग की एक सच्चाई बताऊँ। आई एम नॉट सेइंग कि सारे के ड्रामा जो है गलत होते हैं, बट हाँ एक सच्चाई जो है ना ये भी है। गाइस अभी कुछ टाइम पहले ना इटावा में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, जिसकी वजह से ना 2 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया था, और अनफॉर्चुनेटली उन 2 में से एक ने ना सुसाइड कर लिया। सुसाइड क्यों किया? गाइस इमेजिन 160 लोगों की डेथ हुई, और पूरे के पूरे 5-6 करोड़ जो लोग हैं वो आपको ब्लेम करें कि हाँ भाई
तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ, तो आप क्या करोगे? साउथ कोरिया में सोशल मीडिया के थ्रू बहुत बुली किया जाता है, बहुत बोला जाता है, मतलब अगर मैं भी हूँ ना तो मैं भी सुसाइड कर लूँ, इतना ज़्यादा। बहुत सारे स्टूडेंट्स सुसाइड कर लेते हैं, बहुत सारे वर्कर्स सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि स्ट्रेस जो लाइफ में है यहाँ पे वो गजब का है। कहीं साउथ कोरिया में समाज में आपकी क्या इज्जत है, सोशल स्टेटस को बहुत वैल्यू दी जाती है। आपकी लाइफ सामने वाले से अच्छी है नहीं है, आपकी जॉब सामने वाले से अच्छी है नहीं है, या फिर आप किसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, पेरेंट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है बच्चों को कि हाँ भाई SNU में पढ़ना है, SNU में पढ़ना है। तो ये सारी बातें मिलके ना एक बहुत ही प्रेशर का माहौल क्रिएट कर देती है, जो बहुत सारे लोग ना टॉलरेट नहीं कर पाते। OECD की रिपोर्ट के हिसाब से साउथ कोरिया अनहैप्पीएस्ट कंट्रीज में से एक है। ये जानकर मैं भी बहुत शॉक हो गया था, क्योंकि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा भी हो सकता है। गाइस अब बात करते हैं करप्शन या फिर ब्राइब इन साउथ कोरिया की। गाइस शायद आप में से बहुत लोगों को ना पता हो, लेकिन साउथ कोरिया में जो प्रेसिडेंट्स रहे हैं ना, उनमें से ज़्यादातर या तो मारे गए हैं या फिर करप्शन के चार्जेस में वो जेल में है। साउथ कोरिया ने अपने सिटिंग प्रेसिडेंट पार्क गुन हे को करप्शन के चार्जेस में ना जेल भेज दिया था। इस बात पर साउथ कोरिया की तारीफ बनती है कि हाँ भाई सिटिंग प्रेसिडेंट को जेल भेजना इज़ अ वेरी बिग थिंग, पर देन बात ये भी आती है कि प्रेसिडेंट ने करप्शन या ब्राइबरी करी। अभी जो सबसे फ्रेश चार्जेस है वो अभी जो रिसेंटली यहाँ पे प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए थे उसमें जो रनर अप थे ना उनके ऊपर लगाए। मैंने ब्राइबरी या करप्शन की बात इसलिए उठाई है क्योंकि इस चीज़ से हमारा देश भी बहुत बहुत सफ़र किया है, तो आई थॉट कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि दूसरी कंट्रीज में भी ऐसे मसले होते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि साउथ कोरिया में हर जगह करप्शन होता है, नहीं। अगर आप यहाँ पे आके पुलिस वालों को पैसा देने की कोशिश करोगे तो आप पे अलग ही तरह का चार्ज रहेगा। यहाँ पे सरकारी ऑफिस में कोई करप्शन नहीं होता, पुलिस में कोई करप्शन नहीं है, बट हाँ जब अपर लेवल की बात होती है ना तब जाके थोड़ा सा ब्राइबरी दिखता है। और एक करप्शन और ब्राइबरी क्या होते हैं, ये किकबैक्स होते हैं जो पॉलिटिशियंस देते हैं बिजनेसमैन को। बहुत सारी पॉलिसीज बनाई जाती हैं इन लोगों को ध्यान में रख के, बाद में जब ये एक्सपोज होते हैं तब जाके ये पॉलिटिशियंस जो हैं जेल जाते हैं। सो गाइस ये मेरी कोशिश थी आप लोगों को एजुकेट करने की कि हाँ भाई ये सारे प्रॉब्लम्स ही साउथ कोरिया में एग्जिस्ट करती हैं। मैं किसी भी बात के ना बिल्कुल ही अंदर नहीं जाता, डीप नहीं जाता, क्योंकि फिर वही बात है कि बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। तो मेरा काम है आपको एजुकेट करना, डीप में आई नो कि आप चले जाओगे खुद ही। सो गाइस आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय अदर चैनल, वो बहुत जरूरी है भाई। एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच माय नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में मैं सियोल वर्सेज दिल्ली करने वाला हूँ, बहुत ही फनी वीडियो होगा, सो देखना मत भूलना। सो गाइस ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अब मैं चलता हूँ, हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।